हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं पजल को आगे बढ़ाते हुए पार्ट थ्री, पजल का पार्ट थ्री लेके आया हूँ कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इसे जल्दी सॉल्व करते हैं। और ये मेज पे बैठा हुआ है, चाहे वो कोना पे हो या सेंटर पे हो, उसका दिशा अंदर की ओर बाहर की ओर है, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरह से समझिए, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट जैसे आप समझते हैं आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं ज्यादा टाइम पास ना करते हुए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी वीडियो अपलोड करने से बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि देखिए, ए बी आर के एम एन ओ और पी क्या है, ये एक वर्गाकार मेज के किनारे इस प्रकार से बैठे हैं कि उनमें से चार मेज के चार कोने पर केंद्र की तरफ मुंह करके, मतलब कह रहा है कि यह बैठा कहां है, ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ जो है वो एक वर्गाकार, मतलब वर्गाकार की ओर बैठा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। ठीक है, एक वर्ग जरूरी है यहां पे क्योंकि वर्गाकार पे ये बैठा है। तो वर्गाकार मेज के किनारे इस प्रकार में दिया हुआ है से बैठे हैं कि उनमें से चार, जो चार है मेज के चार कोने पर, मेज के चार कोने पर। तो कोना कौन कौन सा, एक दो तीन और एक चार, चार कोना हमारे पास, चार कोने पर केंद्र की तरफ मुंह करके, जो कोना पे बैठा हुआ है उसका मुख किधर है, केंद्र की ओर, ये देंगे हम केंद्र की ओर। अब केंद्र हमारा कहां है, यहां पे, केंद्र बीच में होता है केंद्र, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, जबकि चार जो मध्य में बैठे हैं, चार मध्य में बैठा है, मध्य में कहां, यहां, तो और एक दो तीन और एक चार, चार मध्य में हो गया। अब देखते हैं, जो मध्य में बैठे हैं वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जो मध्य में बैठा है, तो मध्य में रहिए है, इसका मुख किधर है, बाहर की तरफ, हम ऐसे बनाएंगे, मतलब एरो बना देंगे तो साफ पता चल जाएगा कि बाहर की तरफ देख रहा है। तो इधर से हम इसको ऐसे बना देंगे, इधर से हम इसको ऐसे बना देंगे, और इधर से हम इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आइए, बी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, कोना कौन है हमारा, ये है, तो बी किसी भी कोने पर नहीं है, चाहे एक दो तीन चार, चार का चार कोने पे नहीं है, इसका मतलब क्या है, बी या तो सेंटर में बैठा होगा, एक यहां दो तीन और चार का मध्य में, कहां बैठा है हमें पता नहीं, आगे बढ़ते हैं, किंतु एन के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है, एन का दाईं तरफ दूसरे स्थान पे, तो एन का दाईं तरफ दूसरा, तो दूसरा हम कहां लेंगे, एन, इसका मतलब क्या है कि जब बी को मध्य में बैठाना तो एन को भी मध्य में लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दूसरा है, पहला रहता तो यहां आता, यहां आता, कोना में हो जाता, लेकिन हमें क्या है, दूसरा लेना है, तो किंतु एन के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर है, एन के दाईं तरफ दूसरा, सपोज हम एन को यहां ले लेते हैं, एन को, तो इसकी दाईं तरफ, तो दाईं तरफ क्या होगा, अब देखिए दिशा क्या है, ऐसे हम यदि हैं तो मेरा दायां नीचे होगा और बायां ऊपर, आप देख सकते हैं ऐसे जा रहे हैं, तो बायां और ये दायां, तो दायां नीचे, मतलब कहने का क्या मतलब है, ये दायां, यहां से एक और एक दूसरा, बी हमारा यहां बैठा है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी कोना पे तो है नहीं। ठीक है, अब आइए, अब आते हम यहां तक, तो मेरा क्लियर हो गया ए, अब यहां पे आते हम, ए आर के दाईं तरफ से तीसरा स्थान पर बैठा है, ए कहां बैठा हुआ है, ए आर के दाईं तरफ, तो आर है हमारा, नहीं है यहां, ए है, नहीं है, दाईं तरफ से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हमें पता ही नहीं है तो हम कहां बैठा दें, आगे बढ़ते हैं, जो जो एन के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एन के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो देखिए जब भी बगल में नहीं बैठा हो तो बगल को छोड़ के हम दूसरा स्थान उसको देते हैं, ठीक ना, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है। तो ए आर के दाईं तरफ से तीसरे स्थान पर है जो, तो जो किसके लिए आता है,
तो जो हमारा जो होगा उसका जस्ट निकटवर्ती वर्ड होगा उसके लिए। जैसे हम इंग्लिश में भी बनाते हैं कि द पर्सन हु, तो हु किसके लिए आता है, हु का हिंदी जो हो गया हु हमारा इस पर्सन के लिए आता है क्योंकि उसका पास का यही है, तो इसके लिए हम देंगे हु। तो उसी तरह हम जो दे देंगे वो जस्ट पास के लिए देंगे, तो पास का हमारा कौन है, आर, ठीक है। तो देखिए, तो आर के लिए बात करेंगे अब हम, आर के दाई तरफ से तो बैठा हुआ है जो एन के ठीक, तो एन तो हमारा पता है यहां पे एन, ठीक ना, जो एन के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एन के ठीक बगल में नहीं है, तो एन का ठीक बगल में कौन है, एक ये है और एक ये है, तो ना तो यहां बैठा है ना तो यहां बैठा है, और यहां नहीं बैठा सकते हम क्योंकि यहां पहले से बी है, तो हम यहां बैठाएंगे किसको, आर को, ठीक है, एकदम क्लियर, नो डाउट इन दिस, क्योंकि इसलिए आर हो जाएगा क्योंकि जस्ट बगल में नहीं है, मतलब उसका क्या है, जस्ट बगल में नहीं है उसका, उसका बाद वाला है, ठीक ना। अब ए का बात कर सकते हैं, यहां से अब हम ए आर के बाई सॉरी दाई तरफ से तीसरे स्थान पर, आर का दाई तरफ से तीसरा। अब देखिए, यदि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हमारा दाया किधर होगा, तो दाया ये है और बाया ये है, ठीक है, जैसे आप अपना देख सकते हैं खुद को, तो दाया और बाया, तो दाया हमारा इधर है मतलब हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे मतलब इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, तो ए कहां है, आर के दाई तरफ से तीसरा, दाई तरफ से तीसरा, एक दो तीसरा, तो यहां ए बैठा दिए, नो डाउट। अब आते हैं आगे, यहां तक कंप्लीट। एम और ओ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, एम और ओ एक दूसरे के बगल में है, तो अब बगल में यहां तो नहीं हो सकता क्योंकि आर और एम पहले से बैठा है, तो ना एम हो सकता है या ना ओ हो सकता है, हमारा एक दो और तीन प्लेस है, तीन प्लेस में हमें क्या करना है, यहां तीनों में से कहीं ना कहीं ओ और एम होगा, अब कहां होगा पता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, किंतु एम मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, एम क्या है, किसी भी मेज के कोने पे नहीं बैठा है, तो एम यहां बैठ सकता है, नहीं, क्योंकि एम जो है किसी भी कोने पर नहीं है, ना यहां ना यहां ना यहां, तो बचा प्लेस कौन, यहां, तो एम यहां बैठाएंगे, इसमें बिल्कुल भी आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। अब एम यहां जब बैठा दी तो हम इसका बात अब कर सकते हैं, ओ का बात, एम और ओ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो ओ यहां बैठेगा नहीं, क्योंकि एम के बगल में ओ है, या तो यहां, यहां बैठेगा या यहां बैठेगा अभी हमें पता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया किंतु एम मैच के कोने पर नहीं बैठा है, ठीक है। आर सॉरी के, आर और एन के जो है, के का बात करेंगे अब हम, के आर और एन के बगल में नहीं बैठा है, के जो है आर और एन के बगल में नहीं है, तो यहां यदि हम के बैठा देते हैं तो आर और एन के बगल में हो गया, आर के भी बगल में हो गया, एन के बगल में हो गया, वहां नहीं बैठेगा, यहां बैठाते हैं यदि के तो आर के बगल में हो गया, यहां बैठाते हैं के तो आर के बगल में नहीं है और एन के भी बगल में नहीं है, इसका मतलब के यहां हो गया, जब के यहां हो गया तो एम और ओ एक दूसरे के बगल में है, तो एम यहां है तो ओ यहां हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये फिगर कंप्लीट क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि ये प्लेस मेरा खाली है, तो यहां कौन बैठेगा, अब मैच करेंगे, ए तो ए यहां बैठा दिए, बी बी यहां बैठा दिए, आर आर यहां बैठा दिए, के यहां बैठा दिए, एम एम यहां, एन एन यहां, ओ यहां और पी, तो पी बचा हुआ है, तो पी बचा जो है वह हम उसको बैठा देंगे, ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन बन गया। अब इसका हमें क्या करना है, आंसर देना है, ये तो अरेंजमेंट हम कर लिए, अब इसी के अनुसार आंसर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कोई जरूरी नहीं कि यदि हम सॉल्व कर ले तो क्वेश्चन भी हमारा सही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, यदि आर और ए, आर और ए का बात है, तो आर ए क्लियर, दो पे बात करेंगे अब हम, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान क्या कर रहा है, बदल लेते हैं, आर क्या कर रहा है, यहां आर है यहां ए है, आपस में क्या कर रहा है, अपना स्थान बदल रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि मेरा वास्तविक जो प्लेस है आर का है, लेकिन हम बदल रहे हैं आर को ए से और ए को आर से, तो आर की जगह पे ए और ए की जगह पे आर, ठीक है, बदल लिया,
तो R के बाईं, तो R के बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? R के बाईं तरफ से दूसरा, तो देखिए R मेरा अब यहां आ गया, यहां आ गया ना, और R देख कहां आ रहा है? R यदि ऐसे है और देख वो केंद्र की ओर रहा है, डेफिनेटली R यहां है, देख केंद्र की ओर रहा है, तो बाएं और दाएं जानना जरूरी है पहले। तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसका दाएं और इधर हो जाएगा इसका बाएं। जस्ट आप अपने अनुसार सोचिए, ठीक है, दाएं बाएं, हम यदि खड़े हैं ऐसे तो ये दाएं और इधर बाएं, ठीक है। तो बोला आर के बाएं, आर के बाएं तरफ से दूसरे स्थान, तो बायां इस साइड, मतलब इस साइड नीचे आएगा, बायां इधर है तो हम जाएंगे दूसरा, एक एक दूसरा के, तो कौन बचाएगा? ए नंबर में ही के दे रहा है, तो हमारा ए नंबर में ही आंसर सही होगा। कौन बैठा हुआ है आर के, आर हमारा क्या चेंज करने के बाद, क्योंकि हम ए और ए आर एक दूसरे से चेंज कर रहा है, तो आर के बाई तरफ से दूसरा, तो एक और एक दूसरा, सही है यार। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पे, आर के बाएं तरफ से, अब आर का बाएं तरफ से मतलब क्या, अब ये दोनों आर हमारा ये खत्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन एक में बोल रहा था कि चेंज कीजिए, क्वेश्चन दो में चेंज का बात नहीं है, अब हम आर का ओरिजिनल पोजीशन पे बात करेंगे। तो आर के बाएं तरफ से दूसरे स्थान पर जो बैठा है, आर के बाएं तरफ से, आर हमारा कहां है, यहां है, इसका मतलब क्या, आर कहां देख रहा है, ऊपर, ऊपर देखा तो बाएं और दाएं, तो दाएं इधर और बाएं इधर, ठीक है। अब बोल रहा है कि आर के बाएं तरफ, बाएं मतलब क्या, इधर का बात करेंगे, तो इधर का बात करेंगे मतलब आर का इस साइड आएंगे, तो दाएं तो बाएं तरफ से दूसरा, एक और एक दूसरा एम, एम का, तो दूसरे स्थान पर जो बैठा है एम, जो बैठा है इसका बात नहीं कर रहे, एम जो बैठा है यहां से, उसके दाएं तरफ से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अब यहां एम का है आर से बाएं दूसरा, एक एक दूसरा एम, एम कहां देख रहा है, ऐसे, इसका मतलब क्या, ये दाएं और ये बाएं, नो डाउट, ठीक है। एम का ऊपर दाएं नीचे बाएं, तो ये बोल रहा है कि आर के बाएं तरफ से दूसरे स्थान जो बैठा है उसके दाएं तरफ, उसके दाएं तरफ मतलब क्या, ऊपर, यहां से ऊपर जाएंगे तो एक दो और एक तीसरा कौन बैठा है, पी बैठा है, तो तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, पी, तो के नहीं पी, दो नंबर में आंसर आपका सही दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे, एन और आर के ठीक बगल में कौन बैठा है, एन और आर के ठीक बगल में, तो एन और आर के ठीक बगल में, तो दोनों का ठीक बगल में तो पी होगा ना मेरा आंसर, क्योंकि इधर ले नहीं सकते क्योंकि एन नहीं है, इधर नहीं ले सकते क्योंकि आर नहीं है, तो पी होगा मेरा आंसर, तो पी, के ए पी, तो सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चार, ओ से घड़ी की दिशा में गिनने पर, ओ से घड़ी की दिशा में गिनने पर, घड़ी की दिशा मतलब क्या, क्लॉकवाइज गिनने पर ओ और पी के मध्य कितने लोग हैं, ओ और पी के मध्य कितने लोग होते, ओ यहां बैठा है, पी यहां बैठा है, इसके मध्य में कितने लोग हैं, तो इसके मध्य में जस्ट एक ही लोग है आर, क्योंकि ओ और पी के बीच में तो आर ही है ना, तो आर होगा आंसर मेरा, ठीक है। तो एक आर है ना, आर मीन्स कितना आदमी, एक, तो डी नंबर एक, ठीक है। अब आते हैं बी किसके आसपास बैठा है, बी मेरा यहां है, ये किसके आसपास बैठा है, तो के एम, तो के, के के तो पास है लेकिन एम के पास है नहीं है, ए एन, बी ए के तो पास है लेकिन एम के पास है नहीं है, सी के ए, के पास है और ए के पास है, ये सही होगा मेरा सी नंबर। इसी के साथ इस चैप्टर को क्लोज करता हूं और जल्द इसका आपको क्वेश्चन नंबर फोर मीन्स पार्ट फोर लेके आऊंगा। यदि कोई दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बात कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और ये बहुत जरूरी है, इस टाइप का क्वेश्चन यदि बनाते हैं तो आपका माइंड डेफिनेटली इंक्रीज करेगा और आपको आसान क्वेश्चन को बनाने में फिर टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, यदि पसंद आया हो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।